सो ये हम डिस्कस कर चुके थे कल, और इसका ऑपरेशन भी हम डिस्कस कर चुके थे। देन वी सेड दैट वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन पीएलसी लेटर डायग्राम। सो ये आपके स्क्रीन पर कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, दैट इज एस। एस का मतलब सेट, आर आर का मतलब रीसेट। तो अब आप लोगों ने डिजिटल में पढ़ा होगा फ्लिप फ्लॉप में सेट रीसेट क्या होता है। सो एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसेट? सेट सर, रीसेट जब डिफरेंट इनपुट की मोड वैल्यू उस पे का। सर आउटपुट 1 मिल जाए तो सर उसको सेट बोलते थे, और सर जब 0 मिलता है आउटपुट में तो रीसेट बोलते थे। ओके ठीक है, बहुत अच्छा। तो लैडर डायग्राम में जहां आपको एस सिंबल दिखे वो हो गया सेट, जहां आर सिंबल दिखे वो हो गया रीसेट। अभी हम कुछ बना के आपको दिखाएंगे। आई अगर है तो इसका मतलब है इनपुट, ओ अगर है तो उसका मतलब है आउटपुट, एम है तो मेमोरी बिट, बी है तो बाइनरी बिट। ठीक है, बाइनरी बिट मेमोरी बिट क्या डिफरेंस है वो हम बताएंगे आपको। अच्छा, उसके बाद टीएमआर अगर लिखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड टाइमर। टाइमर पढ़ा है आपने डिजिटल में? आपने पढ़ा है टाइमर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? नो सर। नहीं पढ़ा है। अच्छा जी, काउंटर, है काउंटर पढ़ा है सर, काउंटर काउंटर पढ़ा है पढ़ा सर, पढ़ा है काउंटर पढ़ा है सर। है? ओके, तो टाइमिंग डायग्राम वगैरह आप लोगों ने नहीं पढ़ा था उस पे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टाइमिंग डायग्राम आप लोगों ने नहीं पढ़ा था? निगेटिव एच ट्रिगर्ड, पॉजिटिव नो एच सर, ट्रिगर्ड, टाइमिंग डायग्राम नहीं पढ़ा। टाइमिंग डायग्राम नहीं पढ़ाया गया था? अरे ताज्जुब है। अच्छा जी, चलिए हम बताएंगे आपको टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, फिर काउंटर क्या होता है। तो थोड़ी सी मुझे आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ानी पड़ेगी। ओके, देन वी हैव आउटपुट कॉइल। तो ये इस तरीके से शो होता है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। ओके, सो ये सारे सिंबल्स हैं जो आपको याद रखते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेट। सो लेट मी टेक द पेन। सो आई हैव पावर लाइन्स, देन आई हैव रंग। सो लेट्स से आई हैव अ कॉन्टैक्टर विच इज नॉर्मली ओपन, एंड देन आई मेक आउटपुट कॉइल, एंड इन दिस आउटपुट आई राइट इज एज एस। अब हमारा ये लेटर डायग्राम हो गया। नाउ डिपेंडिंग ऑन माई लॉजिक हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, दिस आउटपुट विल बिकम सेट। ओके, अगर ये क्लोज हो गया कॉन्टैक्टर तो आउटपुट को सेट कर देगा, अगर ये ओपन है तो जो आउटपुट का स्टेट है वही रहेगा। दिस इज हाउ द लेटर डायग्राम इज मेड। नाउ सपोज आई मेड इट सिमिलरली दिस
ट्रिटरी हो गई लाइन, बट कोई बात नहीं. सो आई हैव दिस, आई हैव क्लोज्ड एंड आई हैव रिटन हियर आरएस. तो ये क्या हो गया, डिपेंडिंग ऑन माई लॉजिक द आउटपुट विल बी रीसेट. सो अगर इस तरीके से आउटपुट कॉइल में, इट कुड बी सेट, इट कुड बी रीसेट. ये जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं आउटपुट कॉइल, दिस इज, ये इसके बहुत सारे सिंबल्स हैं जिस पर हम इसको यूज करते हैं. नाउ लेट अस सी, आई हैव अनदर वन. I have another little diagram. अब यहां पर कोई भी लॉजिक हो सकती है, देन आउटपुट में स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ भी नहीं है. एंड दिस इज connected with some logic. So if I write T M dot then this is called timer. हमने क्या किया आपके मेरे डायग्राम में, किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट कंट्रोल करने के लिए मैं टाइमर डाल दिया. लेट्स से आई वांट टू रन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन फॉर 60 सेकंड्स और फॉर 1 आवर और फॉर 3 आवर्स, यू नो. सो आई कैन पुट टाइमिंग अकॉर्डिंगली एंड द टाइमर कैन बी सेट. ओके, तो इस तरीके से ये सिंबल हम टाइमर में इसको दिखाते हैं, राइट. तो टाइमर में ऑफ भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है. आपने टाइम सेट किया कि इतने टाइम के बाद ये ऑन हो जाए, या आपने टाइम सेट किया कि इतने टाइम के बाद ये ऑफ हो जाए, ये चलने के बाद ये ऑफ हो जाए, या आपने टाइम सेट किया कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसके 10 सेकंड के बाद हमारा ये ऑपरेशन शुरू हो. तो एक होता है टाइमर का ऑन, आपने टाइम सेट कर दिया. दूसरा होता है कि ओके, जैसे प्रोसेस शुरू हुआ, ये शुरू तो हो जाए मगर उसके आधे घंटे बाद ये स्टॉप हो जाए, या कोई भी लॉजिक आपका हो, आप कुछ काउंट कर रहे हैं. तो बेस्ड ऑन दैट, यू नो, दिस टाइमर कुड बी फॉर टर्निंग इट ऑन और फॉर टर्निंग इट ऑफ द प्रोसेस. तो कितना टाइम के बाद आप ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं, यू कैन सी हियर. बट देन द वे टू रिप्रेजेंट दिस ऑपरेशन इन लेटर डायग्राम इज शोन हियर इन दिस सर्किट. नाउ so similarly I have again connections like this. In dotted connection मैं दिखा रहा हूँ कि इसके आगे कोई लॉजिक हमारी कनेक्टेड है डिपेंडिंग ऑन आवर एप्लीकेशन. दिस इज अगेन कनेक्टेड हियर एंड this is C N T. this is called counter. आप जैसे मान लीजिए कुछ कर रहे हैं and you want to if you want to count a particular operation, आपको यूनिट प्रोडक्शन में डालना है. जैसे मान लीजिए आपको इन्वर्टर बनाना है, लेट्स से यू आर मेकिंग सम इलेक्ट्रिक व्हीकल और यू आर मेकिंग सम सोलर पैनल्स और यू आर मेकिंग सम चिप आईसी,
कितने काउंट के बाद जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। एक लॉट में आपको 1,000 निकालना है, तो देन द काउंटर यू नो इज टू बी सेट, जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो वो एक काउंट कर ले। जैसे हमारे घरों में बिजली का मीटर होता है, वो एक यूनिट कैसे काउंट करता है, इट इज हैविंग अ टाइम कांस्टेंट। पहले वो गोल गोल घूमता था मैनुअली में, अब वो डिजिटल आ गया है, राइट। सो वो काउंटिंग करता है। तो ये उसी तरीके से ये भी एक तरीके का काउंटर होता है जो आपके प्रोसेस को कंट्रोल करता है। एंड हियर यू कैन सेट द काउंट, फॉर एग्जाम्पल यू नो 1 to 1000, और आई मीन वो पूरा डिजिटल काउंटर होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, कितने बिट का काउंटर है उस पर डिपेंड करता है आप कितना काउंट कर सकते हैं। 2 बिट का है, 4 बिट का है, 8 बिट का है, सो अकॉर्डिंगली यू नो द काउंटिंग क्या कहते हैं स्पैन उसका बढ़ जाता है। यहाँ पर भी काउंटर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अप, एक होता है डाउन, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप से आप लोगों ने काउंटर पढ़ा था इस पे डिजिटल में? यस सर, पढ़ा था। यस सर, यस पढ़ा। सर, तो जो काउंटर सेम काउंटर जो अप करने के लिए काउंट करे, जैसे आपका मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करे, अगर हम इसको रिवर्स करें डाउन काउंट करें 9 8 7 6 इस तरीके से करें, तो एग्जिस्टिंग सर्किट पर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? क्लॉक पल्स चेंज करना पड़ेगा नो सर। टिगरिंग नो सर, सेट रीसेट नहीं, सर, सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शन। पूरा बताइए। सेट रिलेशन बहुत जनरलाइज बोल रहे हैं आप, सेट रिलेशन इंस्ट्रक्शन नहीं है। देखिए जब आप काउंट करते हैं, काउंटर जो होता है रिंग काउंटर, तो आप क्या करते हैं जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्यू होता है, उस क्यू को आप दोबारा इनपुट पर फिट कर देते हैं, राइट। या क्यू पर जो आउटपुट आता है उसको आप ले लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ क्यू, इफ यू टेकिंग आउटपुट फ्रॉम क्यू डैश जो दूसरा टर्मिनल होता है, तो वो डाउन काउंटर हो जाएगा। अगर आप क्यू डैश के सिग्नल को लें जो कि कॉम्प्लीमेंट होता है क्यू का, और उसको आप फिट करें, तो देन इट विल बिकम अ रिवर्स काउंटर, दैट इज अ डाउन काउंटर। ओके, ये सर्किट डायग्राम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शायद आप लोग मिस कर गए, नहीं है तो जरा किताब खोल के देख लीजिए कि अप एंड डाउन काउंटर बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कि साहब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, तो आपको एक चीज काउंट करनी है और उसको अप करना हो तो क्या करेंगे, और आपको डाउन करना हो तो उसी सर्किट में क्या चेंज करेंगे आप? ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हमें ये तो आप अपने घर बैठे बना सकते हैं। काउंटर्स जो फ्लिप फ्लॉप्स जो अवेलेबल है मार्केट में बहुत सस्ते अवेलेबल है, तो आप अपने घर पे कुछ काउंट करके छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आप बना सकते हैं। बट अगेन फॉर दैट यू नो यू नीड टू बी वेरी क्यूरियस कि हाँ देखिए ये कैसे होता है। आप में और बीएससी में यही फर्क है, जो बीए बीएससी वाले स्टूडेंट हैं और आप में यही फर्क है कि आपको प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाई जाती हैं जो इम्प्लीमेंटेड हैं, और आप थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लेंगे तो उन चीजों को आप बना सकते हैं खुद से, और बना के देख सकते हैं, अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। दिस इज काउंटर। तो दिस इज द वे टू शो द काउंटर ऑन लैडर डायग्राम विथ CNT। अप का क्या होता है, डाउन का क्या होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले यूनिट में है वो, उसको CTU CTD कहते हैं। एनीहाउ, सो दीज आर द वेरी कॉमन सिंबल्स विच विल कम अगेन एंड अगेन, तो इसलिए ये आपको हमेशा याद रखना है। कुछ और भी चीजें जैसे मोटर है, और भी चीजें सिंबल, वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा। ये एक PLC है, दैट इज अ कंपनी कॉल्ड डेल्टा। कई कंपनीज बनाती है, सीमेंस बनाती है, फिलिप्स बनाती है, डेल्टा बनाती है। अब ये जो डेल्टा है इसने ये बनाया हुआ है, अब ये देखिए यहाँ पर, ये हमने कहा था कि एक यूनिट इसका जो है वो पावर सप्लाई का होता है, तो ये पावर सप्लाई है, राइट। दिस इज पावर सप्लाई जो AC इनपुट आप देते हैं। उसके बाद फिर ये जो है, ये यहाँ पर जो पावर लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे आपने पावर दिया ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। देन यू हैव दिस 7 टर्मिनल्स
फॉर इनपुट। ये जो इनपुट के 7 एलईडीज लगे हुए हैं, जैसे ही इन सातों पर इनपुट आएगा थ्रू सेंसर्स और सोलेनाइड और यू नो पुश बटन और वट एवर यू आर यूजिंग, तो दिस विल स्टार्ट ब्लिंकिंग। जिस जिस टर्मिनल पर सिग्नल आ रहा है वहां पर यह ब्लिंक करना शुरू कर देगा, राइट। देन बेस्ड ऑन योर लॉजिक व्हाट यू हैव रिटन, जो लेटर डायग्राम आप लिख रहे हैं उस लॉजिक के हिसाब से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, एंड आफ्टर दिस यू नो इट आउटपुट विल बी डिस्प्लेस। यहाँ पर नीचे कई आउटपुट टर्मिनल्स हैं, उन आउटपुट टर्मिनल से रिलेज या जो भी आउटपुट है दैट इज ऑल कनेक्टेड, एंड देन विद दिस कनेक्शन यू नो थिंग्स आर थिंग्स विल वर्क। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल पीएलसी इस तरीके का होता है, वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज किसी एप्लीकेशन के लिए। सो दैट इज यू नो आई एम प्लानिंग टू गेट वन, कहीं से अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको रन करके इसको दिखाऊंगा हाउ इट वर्क्स। कुछ इस तरीके का होता है डिजिटल इनपुट इसका। ये इनपुट टर्मिनल्स हैं जो आपने यहाँ देखा था, ये इनपुट X0 से X7 तक। ये इनपुट जो है वो मेमोरी जो उसको स्कैन करता है, यानी ये जो पीएलसी मेमोरी है ये स्कैनिंग होगी यहाँ इनपुट से। इनपुट को लेके सबसे पहले एड्रेस 10 पर जाएगा, फिर वहाँ स्टोर करेगा अगर इनपुट है, फिर दूसरे को जाएगा, फिर यानी 7 इनपुट जो यहाँ पर दिखाए गए हैं X0 to X7। ये जो X0 to X7 है 8 बिट का, दैट विल गो, जो जहाँ की जो वैल्यू है वो वहां पर सेट कर देगा, रीसेट कर देगा। यानी 1 आ रही है, अगर वैल्यू आ रही है 1 तो इट विल यू नो टेक एट 1, अगर नहीं है तो 0, जैसे इसने 1 सेट कर दिया। उसके बाद फिर वो अपना जो जो आपने पीएल जो प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम के हिसाब से वो एग्जीक्यूट करेगा। तो लेट्स से 10 पर आपने 1 लिखा है, तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये लैडर डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये 10 पर जो कॉन्टेक्टर है 1 आ गया तो ये क्लोज कर देगा। वन दिस इज क्लोज देन Q0 जो भी आपका आउटपुट है इट विल फंक्शन अकॉर्डिंगली। सो देन जो आउटपुट बाइट है वो यहाँ सेट होगा, और ये आउटपुट बाइट यहाँ से ये नोट करके इट विल गिव टू द आउटपुट, एंड देन द आउटपुट पर जो भी आपका मोटर है या जो भी वॉट एवर यू आर कंट्रोलिंग दैट विल कम फ्रॉम दिस साइड एंड इट विल कंट्रोल द प्रोसेस। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इनपुट क्या दे रहे हैं, आपने अंदर क्या एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, पीएलसी प्रोग्राम आपने क्या लिखा हुआ लेटर डायग्राम में, फिर एग्जीक्यूशन के बाद यू नो आउटपुट गया। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था कि किस हर इनपुट को एक एड्रेस असाइन करना पड़ता है मेमोरी में। ओके, मेमोरी जो है आपकी उसका हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस है, जैसे मोहल्ले में हर घर का एड्रेस होता है उसी तरीके से ये पीएलसी मेमोरी में हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। दैट एड्रेस फर्स्ट स्टैक पॉइंटर विल गो देयर, उस एड्रेस पर वो उसको स्टोर करेगा, फिर इट फॉर नेक्स्ट डेटा इनपुट से लेगा दूसरी जगह वो कर देगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो यू नो सो एड्रेस को भी स्टोर करना पड़ता है, मीन्स अगर आप किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आप कर रहे हैं तो दैट एड्रेस ऑल्सो इज टू बी स्टोर इन द मेमोरी इटसेल्फ। कि साहब ये एड्रेस बस है और ये मेमोरी बस है, ये मेमोरी लोकेशन है। सो पहले वो एड्रेस बस पे हर मेमोरी का एड्रेस लोकेटेड है, दैट इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। तो आपको उस एड्रेस पर जाकर लोकेट करना पड़ेगा थ्रू योर प्रोग्रामिंग, और फिर वहां पर आपको अपना इनपुट यू हैव टू बर्न इट और यू हैव टू फेच इट आउट फ्रॉम देयर सो दैट योर ऑपरेशन कैन बी कंप्लीटेड। दिस इज होल ऑपरेशन। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हम पढ़ चुके क्या है, देन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, दिस वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। हाँ, ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि सी एवरी मेमोरी लोकेशन हैज इट्स ओन एड्रेस, दैट एड्रेस इज ऑल्सो स्टोर्ड असाइंड एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो उसमें एक स्टैक पॉइंटर होता है, वो स्टैक पॉइंटर वो आपको पर्टिकुलर एड्रेस पर ले जाएगा, उसके बाद उस एड्रेस पर जो मेमोरी है 8 बिट का डेटा आप वहाँ रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, आप कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 8 बिट के नंबर आपको ऐड करने हैं,
एक एड्रेस लोकेशन पर वो जाके उसको स्टैक पॉइंटर करेगा, फिर दूसरे को स्टैक पॉइंटर करेगा, फिर दोनों को आप ऐड करके उसका रिजल्ट तीसरे मेमोरी लोकेशन पे आपको राइट करना पड़ेगा। सो दिस इज पूरा उसका कमांड होता है। अभी माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ रहे हैं, यू विल गेट एन आइडिया फॉर दैट। सो दिस इज सॉलिड स्टेट मेमोरी व्हिच इज यू नो यूज्ड। एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ बोलिए। दिस इज व्हाट वी हैव डन। और ये सीपीयू में लैडर डायग्राम के हिसाब से सीपीयू ऑपरेट करता है। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स जो बहुत जरूरी है जानना फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएलसी लैडर डायग्राम। सबसे पहला रूल ये है, कॉन्टैक्ट मस्ट ऑलवेज बी इंसर्टेड इन स्लॉट वन इन द अपर लेफ्ट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टैक्टर ये यहाँ पर इंसर्ट होगा, ये जो यहाँ बीच में आपने कर दिया है दिस इज नॉट अलाउड। ये जो आपने यहाँ अगर यहाँ कर रहे हैं आप, यानी पावर लाइन तो ये है मगर इसको आप यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। इट हैज टू बी यू नो एट द पावर लाइन्स। ओके, सो ए कॉन्टैक्ट मस्ट ऑलवेज बी इंसर्टेड इन स्लॉट वन इन द अपर लेफ्ट। दैट द फर्स्ट रूल। The second rule is no vertically oriented contact allowed. क्या मतलब? इस तरीके का कनेक्टर जो है बीच में आप ऐसे ये अलाउ नहीं है। यू कैन नॉट डू सच कनेक्शंस। अगर आप ऐसा लाइन डायग्राम बना रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अलाउड, सिस्टम विल नॉट रिकग्नाइज इट। और आप वैसे भी अगर आप सोचें तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि दो सीरीज में हो, ऊपर वाला एक सीरीज में हो, उन दोनों को आप जोड़ दीजिए। बट दिस इज दिस वे विच इज शोन हियर दैट सीरीज एंड पैरेलल, सो दैट विल नॉट वर्क। दिस इज नॉट अलाउड इन लैडर डायग्राम। उसी तरीके से ये दो रूल हो गए। एक तो ये नहीं, ये तो एक तो ये नहीं कर सकते आप, दूसरा आप इस तरीके से कनेक्शन नहीं कर सकते। अगर इन दोनों तरीके से आप कर रहे हैं तो both are not allowed. A coil must be inserted at the end of the ring. ये coil, यानी this coil, this is coil, इसको हम output भी कहते हैं, रंग के एंड में ये कनेक्ट होगा, आप इसको शुरू में कनेक्ट नहीं कर सकते। All contacts must run horizontally, no vertical orientation contacts are allowed. यानी आप अगर चाहें कि ऐसे आप कोई contactor जोड़ दें तो this is not allowed. It has to be connected like this only. It has to be connected horizontally. और जो ऑपरेशन होगा वो horizontally होगा। पहले horizontally first rung में ऑपरेशन होगा, उसके बाद फिर second rung में होगा, and then how it is, it will work. So the number of contacts per matrix is limited. So कितना एक rung में आप कितना contacts आप यानी NO या NC लगा सकते हैं उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन डिपेंड्स ऑन द मेमोरी साइज, वेरीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। ओके, तो उसकी लिमिटेशन है एज पर द स्पेसिफिकेशन असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स लगा दें, इट विल नॉट वर्क। ओके, सो कॉन्टैक्ट कहाँ लगा रहे हैं आप? बेसिकली आप इनपुट दे रहे हैं, राइट? जो आपके इनपुट्स हैं। Only one output may be connected to the group of contacts. जैसे group of contacts हैं तो one output connected to the group of contacts होना चाहिए। अगर आप दो output लगा रहे हैं तो उसके parallel में होना चाहिए। Normally it is preferred to have one output. अच्छा, उसके बाद flow must be from left to right. कोई ऐसा आपको operation नहीं करना जिसमें आपको बीच में कहीं loop बन रहा हो। देखिए यहाँ पर ये loop बन रहा है IN5, IN3, and you know this is a kind of loop. It is making. Okay, so this kind of loop is not allowed. आपको यानी ये बीच में जो आप कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर ये allow नहीं है। उसी तरीके से ये यहाँ पर यानी this is not allowed. क्या क्या allow है? आपको IN5 इस तरीके से कनेक्ट करिए, IN3 को इस तरीके से कनेक्ट करिए, I1, I2, और ये अगर दोबारा आपको करना है तो फिर ये ऐसे कनेक्ट होगा। इट कैन बी कनेक्टेड लाइक दिस, IN5, IN3 यहाँ पर कनेक्टेड है, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, IN5, IN3 के बीच में यहाँ कनेक्ट होगा,
but you cannot correct in between. This has to come here. You cannot correct in between. So that is what it says. Koi run to run looping allow nahi hai, right? So that is how, you know, it is said. चलिए अब ये देखिए, ऊपर वाला रंग आपने छोड़ दिया और नीचे के रंग्स में आपने कर दिया, तो दिस इज नॉट अलाउड. कनेक्टिविटी आपकी वही है, यहां पर आई एन थ्री जोड़ रहा है, यहां पर आई एन फोर का जो नोड है वो आई एन टू आई एन थ्री से जोड़ रहा है, बट देन आपने ऊपर वाला छोड़ के नीचे बना दिया, सो दैट इज नॉट अलाउड. सो आई एन फोर हैज टू गो अप, आई एन फाइव हैज टू गो अप, तो नीचे वाला रंग खाली रहेगा, ये पोर्शन. So this is another rule that is to be followed. कि अगर connectivity है तो वो पहले रंग में आएगा, then it will come in the second run. आप पहले रंग को bypass करके दूसरे तीसरे में चौथे में नहीं कर सकते. This is strictly not allowed. Okay. So this we have studied: regulator, press switch, thermocouple, optical transducer, electromechanical transducer, push button, sensors. All we have studied. इलेक्ट्रिकल सोलेनाइड आउटपुट हो सकता है, रिले हो सकता है, सर्वो मोटर होता है, स्टेपर मोटर हो सकता है, ऑल दिस कैन बी डन. दिस इज यू नो सीपीयू, जहां हमारा डायग्राम होता है, एंड देन आई हैव अ मोटर एंड ऑल. अगेन दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, इज दिस लैडर डायग्राम इज करेक्ट? मैं इससे पूछूंगा वो बताएगा. हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा. So, okay, we have 45. Chaji. Let me open the attendance sheet. Chidranjan Kumar, hai? Yes, sir. ये बताइए, ये डायग्राम जो दिया गया है यहाँ पर, ये सही है कि गलत है? जो स्क्रीन पर आपका डायग्राम दिखाया गया है, ये सही है कि गलत है? दिस वन सही है तो क्या, क्यों सही है? गलत है तो क्यों गलत है? सर गलत है, एन फोर को सर एन वन से अटैच होना चाहिए था. आई एन फोर को आई एन वन से अटैच होना चाहिए था, और फिर नीचे क्या होगा? आई एन थ्री से जो अटैच्ड है सर, वहां पे ओपन हो जाएगा. अच्छा जी, देखते हैं आपके और दोस्त लोग आपसे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं. सबिया खातून, यस सर, इन्होंने कहा कि ये जो कनेक्शन है आई एन फोर वो यहाँ नहीं होना चाहिए, ये कहीं और होना चाहिए. कहाँ होना चाहिए? डू यू एग्री विद हिम? यस सर, आई एम एग्री कि वो फर्स्ट रो में कंप्लीट करनी चाहिए, फर्स्ट रो को. यू वांट द, यू सेड दैट इट विल कम हियर? यस सर. ओके, अच्छा जी, ओके, चलिए मान लेते हैं आपके पास. सो सबिया खातून एंड चित्रंजन कुमार, सो आई एम स्टॉपिंग हियर एंड take attendance now. If you have any questions, you are welcome to ask. Sir, पूछिए. सर आप अपना जो मैग्नीफाइंग पॉइंटर है, आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं सर? जब आप पॉइंट आउट करते हैं तो अच्छे से दिखता नहीं है वो. On PPT you are saying? Sir, in PPT when you are pointing out some diagram, we can't see. अच्छा जी. The pointer we can't see, sir. So can you magnify it? अभी आपके सामने है, लेजर पॉइंटर है ये. यस सर, ये दिख रहा है सर, जो पहले आप यूज कर रहे थे वो पॉइंटर नहीं था, वो तो पेन था, वो तो मैंने ड्रॉ करने के लिए. जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो तो दिख रहा है ना? यस सर, ड्रॉ तो दिख रहा है सर. हाँ, बस अभी तो मैं ड्रॉ कर रहा था, और जहाँ वो होता था वो आए, हमने उसको सर्किल कर दिया था, सर्किल भी दिख रहा होगा. अभी तो मैंने हाईलाइटर यूज ही नहीं किया. ठीक है, और कोई डाउट किसी को?
यस सर, अगर आउटपुट में स्टेपर मोटर लगाते हैं तो उसके स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पीएलसी तो 0 1 सिर्फ आउटपुट देगा ना सर? हाँ, स्पीड कंट्रोल इज नॉट पार्ट ऑफ पीएलसी, इट बेसिकली ऑपरेशन, वो एक सेपरेट एरिया है कि आप उसको ड्राइव्स पर जाके कैसे करते हैं। व्हाट यू यू कैन डू इज आप उसका ऑपरेशन यानी उसका ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं पीएलसी में। सो उसकी स्पीड, उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए अगर कोई लॉजिक वहां पर है तो उस लॉजिक से आप इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑपरेशन विल बी, अगर ये ऑपरेशन है, ये लॉजिक है तो स्पीड इतनी होगी, अगर ये है तो स्पीड इतनी होगी। तो स्पीड सेट करने के लिए जो पैरामीटर है वो आपको करना पड़ेगा अलग से, बट देन उसका कंट्रोल आप पीएलसी में दे सकते हैं। ओके सर। सर पीएलसी जो आते हैं वो तो बहुत कॉस्टली आते हैं सर, और माइक्रो कंट्रोलर तो बहुत चीप होता है, तो हम लोग पीएलसी यूज क्यों करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर उतना यूज नहीं करते इंडस्ट्रियल पर्पस में? पीएलसी अब कॉस्टली नहीं रहा, पीएलसी आई मीन डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन और जो ऑटोमेशन है उसके हिसाब से आई मीन कॉस्ट उसका वर्थ ही है, जो आपको रिलायबिलिटी और चीजें दिया जा रहा है। माइक्रो कंट्रोलर तो आप बहुत सारे जनरल पर्पज माइक्रो कंट्रोलर्स आर अवेलेबल व्हिच यू कैन यूज फॉर मैनी अदर, उसी माइक्रो कंट्रोलर को आप प्रोग्राम कर दीजिए किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, कॉस्टली हो जाएगा वो, राइट? तो जो जो अनप्रोग्राम जनरल पर्पज है वो तो बहुत सस्ता आएगा, नॉट मोर देन इवन 200 रुपए का आपको मिल जाएगा वो चिप उसकी। बट देन अगर आपने किसी एप्लीकेशन के लिए उसको प्रोग्राम कर दिया वो, तो वो फिर उसकी कीमत बढ़ जाएगी ना, दैट प्रोग्राम हैज वैल्यू, दैट्स वन थिंग। और जो आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट फॉर वॉट, सो इंडस्ट्रीज आर रेडी टू पे फॉर दैट कॉस्ट बिकॉज द एडवांटेजेस दे आर गेटिंग फ्रॉम द पीएलसी इज अनपैरेलल्ड। इसका कोई कोई सोल्यूशन नहीं आया है, कोई इससे अच्छी चीज आई नहीं है अभी इंडस्ट्री में, स्कैडा बेस्ड प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर से जो आपका प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इससे अच्छी एडवांस चीज आई नहीं है, दैट इज व्हाट इज वेरी पॉपुलर, पीपल आर पेइंग एंड पीपल आर गेटिंग एडवांटेज फॉर इट। ओके सर। और पीएलसी तो लेस कॉम्प्लेक्स होता है ना सर, मतलब माइक्रो कंट्रोलर से? नहीं नहीं नहीं, लेस कॉम्प्लेक्स, लेस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। माइक्रो कंट्रोलर is basically a CPU of PLC, right? So less complex क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि आप programming ladder diagram में कर रहे हैं। The ladder diagram is very popular because it is very simple to draw, okay? इसलिए popular है ladder diagram। तो किसी भी चीज को अगर आप simple बना देंगे और उसका application बहुत ज्यादा है तो it will become very, ये जो आप ladder diagram बनाएंगे इसको, ये जो compiler होता है वो इसको जो मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करेगा, और फिर माइक्रो कंट्रोलर जो सीपीयू आपका वो डिजिटल में ही रन करेगा, वो 0 1 में ही रन करेगा। बट दिस इज हाउ यू मेड इट, आप मशीन के अंदर की लैंग्वेज आप नहीं कर सकते। तो जो कंपाइलर है वो जो कंपनी से बनाए हुआ है वो आपके इस लेटर प्रोग्रामिंग को, जैसे सी में आप लिखते हैं, सी क्या करता है वो कंपाइलर क्या करता है, सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से इसके जो कंपाइलर्स होते हैं वो आपके लेटर डायग्राम में जो आप लिख रहे हैं इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, सो इट विल बर्न इन दैट चिप और फिर वो उस हिसाब से आपका काम करेगा। गॉट इट? यस सर। ओके, सो लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ।